इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि माइग्रेशन कलेक्ट करने के लिए जो भी फीस को पे करने के लिए दिक्कत आ रही है उसको कैसे सॉर्ट करना है। DU में जब हम अप्लाई करते हैं तो वैसे तो आजकल काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है और हमेशा कुछ नया नया आ रहा है, नई नई वैरायटी लेके आ रहे हैं वो दिक्कतों में। तो अभी क्या दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है माइग्रेशन के लिए फ़ी पे करने का। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको गूगल पर सबसे पहले अब DU मिसलिनियस से आपको उसे नहीं करना है। आप मैं एक बार इसे, वैसे मैंने पहले से ही डाल रखा है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर डालोगे DU माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद ये जो आ रहा है इंटरफेस आपको इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक करना है। उसके बाद ये गाइडलाइंस अभी ओपन हो रखी हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप ख़ुद को रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद आपको पूरा रजिस्टर करने के बाद जितने भी डिटेल्स आएंगे आप उसको फिल करोगे, उन डिटेल्स को, उसके बाद अप्लाई करोगे, तब आपके लिए पेमेंट का पेज जनरेट होगा। जीमेल पे आपके पास लिंक जाएगा उस पेमेंट के लिए, वहाँ जीमेल में जाके आप उस लिंक को ओपन करोगे तो वहाँ से आपका पेमेंट पेज जनरेट हो जाएगा और वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। फिर उसका वही उसकी मतलब सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करना है कि आपको उसकी स्लिप जनरेट करके उसके बाद फिर वही यूनिवर्सिटी जाना वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बता रखी है। लेकिन ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से फिल करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसमें ये सारी गाइडलाइंस हैं जो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट और नीचे यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हैं सारे प्रोसीजर के, और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है ख़ुद को। तो ये सारा प्रोसेस, ये जितना भी ये सब जो डिटेल्स हैं ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ही है। तो इसमें आपको कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही आपको ऐसा कहीं मेंशन करना है कि ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप फिल कर रहे हो, क्योंकि ये पेज ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए है सेपरेटली। तो इसलिए आप यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस डालना, यहाँ पर कन्फर्म करना अपना ईमेल, पासवर्ड डालना और यहाँ पे एक पासवर्ड अगेन डालना, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आप कैप्चा डालकर ख़ुद को रजिस्टर कर, वहाँ पे पेमेंट करके और आप अपने माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जो कि बहुत सारे वीडियोज़ में है, जो हमेशा से रहा है। बस यहाँ पर इन्होंने माइग्रेशन के लिए पे करने का पेज चेंज कर दिया है, तो वो आपको यहाँ से पे करना है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। वैसे तो आपको पता है यहाँ पे जो जो लिखा है वो फिल करना है, ईमेल आईडी अपनी डालनी है, उसको कंफर्म करना है और कोई पासवर्ड जनरेट करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं ख़ुद को, इसके बाद और सारी डिटेल्स आएंगी, फिर वहाँ पे हम उसके बाद एंड में जाके पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल मैं तो ये चीज़ें आप देखते रहो इस पर, और मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूँ। लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना जाने से पहले, क्योंकि पेमेंट तो आप यहाँ पे कर दोगे, उसके बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा बाकी सारे प्रोसीजर के लिए। तो इस वजह से वहाँ पे जाके एक बार, मतलब जाने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर है एकदम अच्छे से कि क्या क्या नहीं करना है। जिस करी थी कि मैं सैटरडे को गई, क्योंकि मैं बाकी दिन फ्री नहीं रहती, तो अगर आप सैटरडे को जाते हो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बंद ही रहता है कॉलेज, मतलब विश्वविद्यालय बंद रहता है। और दूसरी गलती मैंने करी थी कि जब मेरा किसी तरह मैंने काम निपटा लिया था सारा एक ही दिन में, तो टाइम बचाने के चक्कर में मैंने सोचा उसी दिन चली जाऊँ सेम डे, लेकिन मुझे 3 बार हो गए, तो 3 बजे विंडो बंद हो जाती है, जिस विंडो 17 पर आपको सबमिट करना है। तो वो सब ध्यान रखना, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि वो वाली वीडियो देख के जाना, जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। मैं बहुत ढूंढा था मैंने जाने से पहले कि कोई वीडियो मिल जाए मुझे, यूट्यूब इंक्वायरी मुझे करनी है वो चीज़ पता लग जाए, क्योंकि कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, जितनी भी ये सारी चीज़ें कोई रिसीव नहीं करता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान देना, एटलीस्ट जो दूसरों की गलतियाँ हैं उनसे सीखो, तो अच्छा है कि आप सब पता करके जाओ। तो हाँ, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आप ऐसे इस तरीके से आपके मेल पे लिंक आ जाएगा पेमेंट का, तो उस लिंक को ओपन करके आप पेमेंट कर देना। तो यहाँ आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो अभी भी डाउट होगा उसको आप मेरे को कमेंट में एक बार पूछ के कन्फर्म कर लेना। सो या बाय।